हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल द कंप्यूटर आर्किटेक्चर टाइप्स एंड वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वी आर इन द सेम चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंसोल, माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर। नाउ आवर टुडेज लेक्चर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर पिन डायग्राम। तो टुडे द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ 8051 पिन्स। मीन्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द डिटेल पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर यू मस्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द गिवन पिन्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन वॉट आर द फंक्शंस ऑफ द पिन्स अवेलेबल ऑन 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स, विच आर द पिन्स आर अवेलेबल एंड वॉट आर देयर फंक्शंस। सो यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शंस, यू मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो टूडेज कंटेंट ऑफ लेक्चर विल बी पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। वी आर गोइंग टू सी द पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर and pin functions of 8051 microcontrollers. So while seeing the pin diagram, we must be able to explain the functions also. What are the functions of the pins available of 8051 microcontroller? Now this is a concept map. So in this concept map, you are able to see the pin diagram structure of 8051 microcontroller. So your 8051 microcontroller is of 40 pin dual in line package IC. So on this IC there are 40 pins available, each 20 pins on the side, left side and right side. So these 40 pins of 8051 microcontroller, explaining the structure concept, it is available to you. Now in this particular diagram, what you are able to see, actually the main pins covering is by ports only. If you see carefully, so as we know in 8051 microcontroller, there are four ports: port 0, port 1, port 2, port 3, and all these, each port is of 8 bit. So if you calculate, so 32 pins is directly covered by these four ports only. So microcontroller 8051 is a 40 pin IC, but 32 pin is already covered by your four 8-bit ports. So it means that there are some pins also they are doing dual function. Means one pin is also doing some another task apart from input-output ports only. समझ में आ रही बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो माइक्रोकंट्रोलर 8051 जो है वो कितने पिन का आईसी है? 40 पिन का आईसी है. उस 40 पिन के आईसी में 32 पिन्स तो आपके चार पोर्ट्स ही कवर कर लेते हैं. चार पोर्ट्स जो कि इंडिविजुअल 8 बिट्स के होते हैं, तो वो 8 बिट्स के हिसाब से, चार पोर्ट के हिसाब से 32 पिन्स तो आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में ही कवर हो गया. और उसके अलावा जो नॉर्मल बेसिक्स और जो पिन्स बची हुई है, जिसमें दो पिन तो आपका ग्राउंड और VCC सप्लाई हो जाता है. जैसे कि आपको दिख रहा है पिन नंबर 20 इज ग्राउंड एंड पिन नंबर 40 इज सप्लाई, VCC सप्लाई. फिर इसके बाद है आपको और क्या नजर आएगा, दो पिन जो है पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19, इट इज़ यूज फॉर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी. तो ये दो पिन के बीच में आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करते हो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर आईसी, डिजिटल आईसी, ऑपरेट ऑन डिजिटल क्लॉक पल्सेस, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है. तो वो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19 is used for generating the clock frequency with the help of connecting quartz crystal between these two pin. फिर इसके बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा पिन जो नज़र आएगी, एक पिन नंबर 9 करके आपको दिख रही होगी. तो पिन नंबर 9 में रीसेट सर्किट को कनेक्ट करते हैं. अगर ये आईसी को आपको रीसेट करना है, नॉर्मल वापस से डिफॉल्ट मोड में लेके आना है, तो रीसेट करने के लिए, मैनुअल रीसेट करने के लिए यहाँ पे आपको सर्किट कनेक्शन करने का ऑप्शन दिया हुआ है. सो पिन नंबर 9 इज योर रीसेट पिन ऑफ दिस आईसी. और इसके अलावा जो आपको तीन पिन्स नज़र आएंगी,
pin number 29, 30, 31, these pins are used for external memory interfacing. तो जब एक्सटर्नल मेमोरी को आपको इंटरफेस करना होता है तो वहाँ पे ये तीन पिन का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट मैप है, दिस जस्ट इंडिकेटिंग द 40 पिन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, हाउ इट इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द पिन्स। तो ये कॉन्सेप्ट मैप में जस्ट हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे कि किस तरीके से इसकी ये 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर 8051 की डिवाइड हुई है कौन कौन सी चीज़ के लिए। तो जिसमें से मेन मैंने आपको तो चार पोर्ट्स में ही समझा दिया, और उसके अलावा बाकी दो सप्लाई के लिए होती है, दो पिन ग्राउंड और सप्लाई, दो पिन होती है आपकी क्रिस्टल के लिए, एक पिन आपकी रिसेट के लिए, और तीन पिन जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेसिंग जब करते हैं तब वहाँ पे यूज़ होती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट मैप ऑफ योर 8051 माइक्रो कंट्रोलर पिन डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल ऑफ पिन डायग्राम ऑफ 8051। सो दिस इज द डिटेल पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये डिटेल जो आपको एग्जैक्टली जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है 40 पिन का, ये पूरा उसका पिन का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 आपकी आईसी होगी, जो चिप होगी, उसकी जो 40 पिन है, ये 40 पिन इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करके और क्या पिन, हर एक पिन क्या काम कर रही है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। वॉट इज द नेम ऑफ द ईच पिन इज डिस्क्राइबिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो दिस इज योर एक्चुअल 8051 माइक्रो कंट्रोलर पिन आईसी। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दोनों तरफ इंडिविजुअल तरफ 20-20 पिन्स डिवाइड किए हुए हैं इन योर लेफ्ट साइड एंड इन योर राइट साइड ऑफ दिस आईसी। इन द लेफ्ट साइड, और ये पर्टिकुलर जो आईसी का जो पैकेज है, इस आईसी को बोलते हैं ड्यूअल इन लाइन पैकेज। जो ये स्ट्रक्चर है इस आईसी का, उस स्ट्रक्चर ऑफ आईसी को बोलते हैं ड्यूअल इन लाइन। तो ड्यूअल इन लाइन पैकेज, दोनों तरफ 20-20 पिन्स डिवाइड किए हुए, और कुछ लाइंस जो है वो ड्यूअल फंक्शन भी काम करते हैं, यानी कुछ पिन्स जो है ना वो डबल काम करते हैं, दो फंक्शन का काम भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर सिर्फ चार पोर्ट्स की बात कर दोगे तो चार पोर्ट्स में ही 32 पिन्स कवर हो गया, तो बाकी का बचा ही नहीं कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन करने के लिए। तो कुछ पोर्ट्स की पिन जो है वो एक्स्ट्रा दूसरा काम भी करती है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अलावा भी कुछ एडिशनल टास्क भी, एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करती है, वो हम लोग डिटेल में भी देखेंगे ये फर्दर इन आवर लेक्चर। और जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिन नंबर 20 ग्राउंड, पिन नंबर 40 VCC, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद इसके नीचे ही आप लोग देखोगे तो ये पोर्ट 0.0 से लेके पोर्ट 0.7, ये 8 बिट्स है आपकी किसकी, पोर्ट जीरो की। तो ये पोर्ट जीरो की फर्स्ट बिट को डिनोट करते हैं P0.0। तो ये डॉट जीरो का मतलब क्या होता है, इट इज इंडिकेटिंग द जीरो बिट ऑफ पोर्ट जीरो। सिमिलरली जो इसकी लास्ट बिट है वो आपकी लास्ट बिट का नंबरिंग कैसे किया हुआ है, P0.7। तो P0.7 का मतलब होता है इट इज द 7th बिट ऑफ पोर्ट जीरो। तो ये पोर्ट जीरो की पूरी टोटल 8 बिट्स हो गई, P0.0 to P0.7। अब इसके बाजू में आप देखोगे तो ये एक और कोई दूसरा काम भी परफॉर्म करती है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल अपना नॉर्मल ये पोर्ट्स के अलावा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अलावा और दूसरा काम भी करती है ये पिन। वो दूसरा काम क्या करती है, AD0 to AD7। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय AD0 to AD7? जैसा कि मैंने आपको बताया था माइक्रो कंट्रोल 8051 में टोटल डेटा बस कितनी बिट्स की है, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी डेटा बस बिट्स आर देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर? बस के लेक्चर में समझाया था ना मैंने, बताया था आपको कि यस कितनी है डेटा बस साइज, डेटा बस कितने बिट की है, किसी को याद है? 8 बिट। वेरी गुड वेरी गुड, शायद 8 बिट्स। तो डेटा बस जो है वो कितने बिट्स का है, वो 8 बिट का है। और एड्रेस बस कितने बिट का है, एड्रेस बस? वेरी गुड अफान, 16 बिट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो AD0 to AD7, ये एड्रेस और डेटा बस कंबाइन है, दोनों मिला के दोनों काम करती है, एड्रेस बस का भी काम करती है, डेटा बस का भी काम करती है। लेकिन आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कैसे, एड्रेस बस और डेटा बस तो अलग अलग होती है, तो दोनों एक साथ कैसे काम करती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा अपने आगे के लेक्चर में। तो ये पिंस को बचाने के लिए, ज्यादा पिंस ना आए इसलिए ये सब चीज डुअल फंक्शन दिया हुआ है सब चीज में।
तो AD0 टू AD7 दिस इज कम्बाइंड एड्रेस एंड डेटा बस 8 बिट्स, और उसके अलावा फिर आपको एक्स्ट्रा जो ऊपर की 8 बिट्स लगती है एड्रेस बस के लिए, वो अलग से आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्ट 2.0 को, पोर्ट 2.0 टू पोर्ट 2.7, ये पोर्ट 2 की जो 8 बिट है उसके साथ में एडिशनल जो 8 बिट हायर एड्रेस बस लगता है A8 टू A15, वो यहाँ पे दिखेगा। तो पोर्ट 0 के साथ में लो ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस होता है, यानी लो ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस का मतलब क्या होता है, एड्रेस का लोअर एड्रेस A0 टू A7, और साथ में डेटा बस भी होता है D0 टू D7, और जो हायर एड्रेस का 8 बिट है वो A8 टू A15, वो किसके साथ होता है, पोर्ट 2 के साथ में होता है। तो P2.0 टू P2.7 ये पोर्ट 2 की पिंस तो है ही, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का काम तो करती है, और साथ में एडिशनल जो काम करती है वो हायर एड्रेस 8 बिट्स का भी काम करती है, दैट इज फ्रॉम A8 टू A15। तो इस तरीके से ये 16 एड्रेस बस आपका डिवाइड हुआ है, 8 8 बस आपका डिवाइड हुआ है, और ये पोर्ट्स के 8 बिट्स है जो इधर पे आपको दिख रहे हैं। ये जो 3 पिंस है, मैं वहाँ पे भी आपको समझाया था, ये 3 पिंस मेमोरी से रिलेटेड है, तो मेमोरी से रिलेटेड काम करते हैं। हम लोग अभी अपने देखेंगे एक एक करके सबका पिन का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। पोर्ट 1 जो है वो अकेला लेफ्ट है, वो सिर्फ नॉर्मल पोर्ट 1 का ही काम करता है, यहाँ पे इसके साथ में कोई एडिशनल टास्क नहीं अटैच किया हुआ है। तो इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट 1.0 टू पोर्ट 1.7 इज जस्ट ओनली नॉर्मल 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ओनली, उसके अलावा एडिशनल इसका कोई काम नहीं है, कोई एडिशनल टास्क नहीं है। पिन नंबर 9 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज रिसेट पिन, RST रिसेट पिन है ये आपका, जहाँ पे आप रिसेट प्रोवाइड करते हो, अगर आप रिसेट करोगे तो माइक्रो कंट्रोल 8051 रिसेट हो जाएगा, नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। और पोर्ट 3.0 से लेके पोर्ट 3.7, यानी पोर्ट 3 की जो 8 बिट्स है ये एडिशनल टास्क करती है, एडिशनल टास्क अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ये पोर्ट 3 के साथ में एडिशनल टास्क है। नीचे के 2 पिंस क्रिस्टल 1 क्रिस्टल 2, जहाँ पे आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करते हो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, तो ये क्रिस्टल कनेक्ट करने के लिए 2 क्रिस्टल की पिन है, ये ग्राउंड है। इम्पॉर्टेंट बात क्या मालूम, ये पिन डायग्राम में आपको जो MCQ क्वेश्चन भी अभी आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो MCQ क्वेश्चन में ना ये पिन नंबर के हिसाब से वो पिन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि अभी आपको बोल रहा हूँ रिसेट पिन, पिन नंबर कितना है 9, तो ये इतना याद रहना चाहिए आपको, विच पिन नंबर इज वॉट, तो कौन सा पिन नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के लेक्चर में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये फॉर्म में ही पूछेगा, व्हाट इज द 43.3 पिन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो ये याद होना चाहिए कि 43.3 पिन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या है, या पिन नंबर 13 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है, व्हाट इज द पिन नंबर 13 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, व्हाट इज द पिन नंबर ऑफ दिस 18 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये पिन डायग्राम इससे याद करना बहुत जरूरी है, रिमेंबर करना बहुत जरूरी कि कौन सी पिन नंबर क्या है ये चीज। नाउ वन बाय वन करके अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो पिन जो मैं आपको बता रहा था क्या है उसका फंक्शन, तो पिन फंक्शन ऑफ 8051। नाउ पिन नंबर 40 क्या है आपको, जैसे कि समझाया पिन नंबर 40 VCC सप्लाई, तो सप्लाई वोल्टेज चाहिए आपकी IC को ऑपरेट होने के लिए, तो कितना सप्लाई वोल्टेज चाहिए, DC वोल्टेज कितना वोल्ट चाहिए आपको, 5 वोल्ट, तो इट रिक्वायर्ड 5 वोल्ट DC सप्लाई दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन ऑर्डर टू ऑपरेट। तो VCC प्रोवाइड सप्लाई वोल्टेज टू द चिप, तो जो VCC सप्लाई है वो पूरी चिप को सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और वो वोल्टेज सोर्स कितना चाहिए आपको, +5 वोल्ट। फिर पिन नंबर 20 आपका क्या है, ग्राउंड पिन, जो आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है उसको ग्राउंड में कनेक्ट करना है। पिन नंबर 18 एंड 19, जो अभी मैं क्रिस्टल की बात कर रहा था, पिन नंबर 18 एंड 19 क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2, तो ये 2 पिन के बीच में आप क्या प्रोवाइड करते हो, एक्सटर्नल क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करते हो, विच प्रोवाइड्स एक्सटर्नल क्लॉक टू दिस IC, तो एक्सटर्नल क्लॉक आप प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पिन्स। इन 2 पिन के बीच में आप क्या कनेक्ट करते हो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करते हो, जो क्या जनरेट करेगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्सटर्नल क्लॉक जनरेट करेगा। तो 2 तरीके है, यहाँ पे वही समझाया है कि 2 तरीके एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज दिस IC इज डिजिटल IC, तो ये डिजिटल IC क्लॉक पल्सेस के ऊपर काम करता है। आपको क्लॉक पल्सेस मालूम होगा, व्हाट इज मीन बाय क्लॉक पल्सेस, डिजिटल टेक्निक्स में आपने पढ़े होंगे क्लॉक पल्सेस, जो आगे फ्लिप फ्लॉप्स थे आपके वो क्लॉक पल्सेस पे काम करते थे, याद है आपको, डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में आप लोग ने जो फ्लिप फ्लॉप का चैप्टर पढ़े होंगे, तो
तो इस फ्लिप फ्लॉप के चैप्टर में आपको क्लॉक पल्सेस के बारे में मालूम पड़ा होगा, यानी उसका वर्किंग, उसका ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लॉक पल्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर 8051 भी डिजिटल आईसी है, ये ऑपरेट करने के लिए क्लॉक पल्सेस इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करना होता है ये पर्टिकुलर आईसी में। तो ये दो तरीके, एक तरीका क्या है, यूजिंग अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, एक तो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर को कनेक्ट कर दो ये दो पिन के बीच में, उसका डायग्राम भी अभी देखेंगे, यूजिंग अ टीटीएल ऑसिलेटर यानी तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑसिलेटर को कनेक्ट कर दो, टीटीएल, जो आपके आपने देखे होंगे आपके जो जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर्स है, वहाँ पे आपको ये भी एक पार्ट दिखता है टीटीएल ऑसिलेटर, जो टीटीएल ऑसिलेटर मतलब क्या, कंटिन्यूसली हाई लो सिग्नल, हाई लो सिग्नल, तो दैट इज नथिंग बट क्लॉक पल्सेस। सो कंटिन्यूस लॉजिक वन लॉजिक जीरो, लॉजिक वन लॉजिक जीरो, दैट इज नथिंग बट ओनली अपना क्लॉक पल्सेस। तो यूजिंग अ टीटीएल ऑसिलेटर यूज करके कर सकते हैं, यूजिंग अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर करके कर सकते हैं। तो ये है आपका डायग्राम। तो यूजिंग अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर वी कैन ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी ऑन द क्रिस्टल टू पिन। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप इस तरीके का पैटर्न अरेंज करोगे इन दो पिन के बीच में, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर सकते हो, द फ्रीक्वेंसी ऑन द क्रिस्टल टू पिन। तो आप अगर डीएसओ यूज करोगे या सीआरओ यूज करोगे, तो वहाँ पे आपको ये क्लॉक पल्सेस नजर आएगा क्रिस्टल टू पिन पे। तो ये जो क्रिस्टल वन क्रिस्टल टू पिन है, ये नीचे आपको ग्राउंड है, ये पिन वही पिन 18 19 और 20 है साथ में, 18 19 20। तो 18 19 20 का ये पूरा पिन डायग्राम का जो आगे का जो पार्ट है, जो आपको कनेक्शन देना है वो किस तरीके से देना है, और किस तरीके से आप इधर पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करते हो। तो दिस इज योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बिटवीन टू कैपेसिटर ईच ऑफ 30 पिको फैरेट। तो ये दो 30 पिको फैरेट के कैपेसिटर को यूज करते हैं, 30 पिको फैरेट C1 30 पिको फैरेट C2, इनके बीच में ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से आपका एक तरफ आपका एक टर्मिनल कैपेसिटर का ग्राउंड किया हुआ है। सो वन टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ क्वार्ट्ज एंड द अदर टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। इज इन दिस फैशन यू आर एबल टू कनेक्ट योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड यू आर एबल टू जनरेट अ क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑन दिस पिन्स। तो वी आर एबल टू सी द क्लॉक पल्सेस ऑन दिस पिन इफ यू कनेक्ट इन दिस पर्टिकुलर फैशन। तो ये फैशन में हम लोग अपने क्रिस्टल को कनेक्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिन फंक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेट पिन। तो रिसेट को याद रखिए, आपके माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो डिनोट किया गया है, जो नाम दिया गया है, वो क्या नाम दिया गया है, RST। तो कंफ्यूज मत होना, आप पूरा मत लिखते बैठना, RESET रिसेट होगा, जो एब्रीवेशन यूज हुआ है वही एब्रीवेशन से आपको याद रखना है। सो इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर योर पिन नंबर 9 इज डिनोटेड बाय विच नेम, इट इज डिनोटेड बाय नेम ऑफ RST विच इज स्टैंड फॉर रिसेट। तो आपकी माइक्रो कंट्रोलर 8051 को अगर आपको रिसेट करना है, तो ये पिन नंबर 9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। सो व्हाट इज दिस पिन, ये पिन क्या है एक्चुअल में, इट इज एन इनपुट पिन। इनपुट पिन का मतलब यानी ये डेटा अंदर प्रोवाइड करता है, डेटा अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है। इनपुट पिन इसको बोलते हैं जो डेटा एक्सेप्ट करता है, और आउटपुट पिन उसको बोलते हैं जो डेटा प्रोवाइड करता है, जो आउटपुट जनरेट करता है, देता है। तो इट इज एन इनपुट पिन, यानी यहाँ पे आपको बाहर से यहाँ पे पिन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड इट इज एक्टिव हाई, एक्टिव हाई का मतलब ये होता है अब इसको आपको लॉजिक वन देना पड़ेगा। एक्टिव लो का मतलब ये होता है कि जब उसको जीरो देंगे तो वो काम करेगा। एक्टिव हाई का मतलब ये होता है जब उसको लॉजिक वन मिलेगा तो वो काम करेगा, उस चीज के लिए जो जाना जा रहा है, वो काम, वो टास्क जो है वो कब करेगा, जब उसको आप लॉजिक वन देंगे। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से मालूम ही होगा, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक्टिव लो यानी वो लो पे एक्टिव होता है, और एक्टिव हाई मतलब वो हाई पे एक्टिव होता है, हाई पे एक्टिव होता है मतलब हाई पे वो काम करता है। तो रिसेट का काम कब करेगा, जब आप इसको हाई दोगे, तो हाई देंगे तो वो काम करेगा, ये पिन पे जब हाई दिया जाएगा तो वो रिसेट का काम करेगा। नॉर्मली हो हमेशा क्या रहता है, लो ही रहता है। सो द हाई पल्स मस्ट बी हाई एटलीस्ट 2 मशीन साइकिल। तो ये हाई जो है वो कम से कम कितने साइकिल के लिए होना चाहिए, अब ये मशीन साइकिल का मतलब समझ में आ रहा है, दो क्लॉक पल्सेस की बात चल रही है, क्योंकि ये जो डिजिटल आईसी है किसके ऊपर काम करता है, क्लॉक पल्सेस के ऊपर काम करता है। तो ये जो हाई भी मिलना चाहिए ये पिन पे, वो कम से कम कितने साइकिल का मिलना चाहिए, तो वो समझेगा कि हाँ ये एक्चुअल में रिसेट मिल रहा है। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये सब मालूम है इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, तो कभी कभी कोई सर्ज की वजह से अचानक हाई हो जाता है, तो
तो वो इंटरनल कोई प्रॉब्लम की वजह से हाई हुआ, उसको रिसर्च मान के काम नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में उसको हाई मिला है तो वो कितने टाइम तक का मिलना चाहिए? 2 मशीन साइकिल तक का मिलना चाहिए, तभी ये आपका माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड कर पाएगा, यस नाउ इट इज एग्जैक्टली रिसर्च प्रोवाइडेड ऑन दिस पिन, नाउ उसको रिसर्च करना है। अदरवाइज बिकॉज ऑफ अननेसेसरी सर्च कंडीशन की वजह से अगर इस पिन पे हाई हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर तो बार बार रिसेट करता रहेगा फिर, इसलिए ये कंडीशन रखा गया। इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन में आपको इधर पे दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर पिन को रिसेट करने के लिए इस पिन पे हाई प्रोवाइड करना है कम से कम कितने मशीन साइकिल के लिए? 2 मशीन साइकिल के लिए। अगर 2 मशीन साइकिल तक का ये हाई मिलता है ये पिन पे, तभी वो एक्चुअल में रिसेट समझेगा और रिसेट करेगा। तो दिस इज द टास्क दैट्स वाई गिवन, नहीं तो अननेसेसरी हाई कुछ भी आके समझ के आपने आपको रिसेट नहीं कर देना चाहिए। तो ये अवॉइड करने के लिए, ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे रखा गया है कि इट मस्ट बी हाई फॉर एटलीस्ट 2 मशीन साइकिल, देन ओनली माइक्रो कंट्रोलर विल गोइंग टू बी रिसेट। तो ऑन अपॉन अप्लाइंग अ हाई पल्स टू आरएसटी, तो जब आप हाई पल्स अप्लाई करते हो आरएसटी को, तो माइक्रो कंट्रोलर कैसा रिसेट होता है? तो द माइक्रो कंट्रोलर विल रिसेट, वो रिसेट हो जाएगा एंड ऑल द वैल्यूज इन एसएफआर, ये सब चीज़ आप पढ़ने वाले हो अभी, जितनी भी वैल्यूज है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, SFR इस टाइम फुल फॉर्म SFR इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यानी जितने भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर के, वो सारे रिसेट हो जाएंगे अपने डिफॉल्ट वैल्यू पे, जो नॉर्मल वैल्यू, जो स्टार्टिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, दैट इज 00H। तो नॉर्मल 00H करेंगे और अपना 07H आपका स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो बाई डिफॉल्ट होने पर कितना रहता है उसका 07H, और जितने भी रैम के कंटेंट्स है वो सारे सब क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो रिसेट का मतलब ही यही होता है ना, पुराना प्रीवियस डेटा सब क्या कर देने का है? क्लियर कर देना चाहिए। तो जब आप रिसेट प्रोवाइड करोगे इस पर्टिकुलर पिन पे, हाई प्रोवाइड करोगे फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी मशीन साइकिल? फॉर 2 मशीन साइकिल, देन ओनली योर माइक्रो कंट्रोल 8051 इज गोइंग टू बी रिसेट। एंड वॉट डू मीन बाय रिसेट? रिसेट मीन्स इट इज गोइंग टू स्टोर ऑल द डिफॉल्ट वैल्यू। In all the defaults value, all the special function registers are having your initial value, that is 00H. खाली एक आपका stack pointer जो register है, वो default होने पे कितना रखता है? 07H रखता है। बाकी जितने भी RAM के content है, वो सारे सब चीज़ क्या हो जाएंगे? Clear हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये diagram दिख रहा है, this is the reset circuit जो आप 8051 microcontroller के बाहर जो आप connect करते हो, लगाते हो, तो ये आपका रिसेट सर्किट है जो मैं स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में भी आपको दिखा रहा था, कॉन्सेप्ट वाले डायग्राम में भी यही डायग्राम था। सो दिस शोज अ सिंपल पावर ऑन रिसेट सर्किट विच अप्लाइज रिसेट सिग्नल व्हेन इट इज पावर्ड ऑन। तो जब ये पावर्ड ऑन होता है तो ये एक्चुअल इस तरीके से ये रिसेट इस पर्टिकुलर आईसी को मिलता है, और ये मिलता है तो ये नॉर्मल ऑपरेशन में, नॉर्मल डिफॉल्ट मोड में आता है। नाउ क्या है ये रिसेट सर्किट में, जरा ये भी आप अंडरस्टैंड कर लो। ये रिसेट पिन है आपका, रिसेट पिन में ये आपका यहाँ पे जो ऊपर स्टार्टिंग में आपको जो दिख रहा है, एक कैपेसिटर है। दिस कैपेसिटर वैल्यू इज ऑफ 20 माइक्रो फैरेड, ऊपर VCC सप्लाई है, और ये कैपेसिटर के नीचे आपने क्या कनेक्ट किया हो? 8.2 किलो ओम का रजिस्टर। नाउ ये दोनों वैल्यू इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हो कि इन दोनों वैल्यू का आप इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड होता है, जो आपको पता है द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी इज नथिंग बट टाइम कॉन्स्टेंट, RC टाइम कॉन्स्टेंट, आपने सुने होंगे आर एंड सी टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू आप इस तरीके से सिलेक्ट करते हो कि इनका जो टाइम इंस्टेंट है, जो दोनों का टाइम इंस्टेंट होना चाहिए, जो मिला के कॉम्पोनेंट वैल्यू का, वो कितने मशीन साइकिल तक का होना चाहिए? 2 मशीन साइकिल तक का होना चाहिए, ताकि 2 मशीन साइकिल तक का टाइम इंस्टेंट रहेगा हाई होने का, तभी आपका ये रिसेट पिन एक्टिव होगा, काम करेगा। अदरवाइज ये रिसेट पिन एक्टिव नहीं होगा। तो इस रिसेट पिन पे आपको हाई प्रोवाइड करना है एटलीस्ट कितने मशीन साइकिल्स तक का? 2 मशीन साइकिल तक का, यानी उतने टाइम का डिले आपको देना पड़ेगा ये पर्टिकुलर पिन में। तो हाई जो देना है वो उतने टाइम तक के हाई अमाउंट पे डिले देना पड़ेगा। तो हाई हो, लेकिन कितने अमाउंट तक का हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस टू वैल्यूज, ये वैल्यूज वो हिसाब से डिसाइड होती है, बनती है कि वो एटलीस्ट 2 मशीन साइकिल्स तक तो कवर करे। तो देखो इसलिए कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का तो काम आपको मालूम है, चार्ज होता है, फिर उसके बाद वो होल्ड करके रखेगा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। तो वो होल्ड कितने टाइम तक का होना चाहिए, हाई कितने टाइम तक का होना चाहिए? और 2 मशीन साइकिल्स तक का होना चाहिए जब हाई मिले। और ये जो बाजू में आपको जो बटन दिख रहा है,
ये बटन आपके मैनुअल रिसेट करने के लिए भी है। बाय डिफॉल्ट जब आप स्टार्ट करते हो तो वो तो रिसेट तो होता है, लेकिन आपको अगर फॉर एग्जांपल वापस से आपको दूसरा कोई प्रोग्राम डालना है, पुराना प्रोग्राम हटा देना है, तो आप मैनुअल रिसेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। तो जब आप ये बटन को प्रेस करोगे, पुश करोगे, तो जैसे आप प्रेस करोगे तो ये जो कैपेसिटर चार्ज होल्ड कर रहा है, हाई जो चार्ज होल्ड कर रहा है, तो ये नहीं आएगा एक्टिव में, डायरेक्टली ये पाथ कनेक्ट होगा वीसीसी सप्लाई, दिख रहा है आपको? तो इट इज गोइंग टू डायरेक्टली कनेक्ट वीसीसी। तो जैसे ही वीसीसी होगा, इधर पे इसको डायरेक्टली हाई मिलेगा। जब तक ये कौन सा पाथ फॉलो हो रहा था, जब आप ये चीज को नहीं कर रहे थे, पुश बटन को प्रेस नहीं कर रहे थे, तो कैपेसिटर से फिर ये ग्राउंडिंग जा रहा था। लेकिन अब जब आप मैनुअल रिसेट करोगे, मैनुअल रिसेट, तो मैनुअल रिसेट में क्या होता है, ये बटन को आप पुश करोगे, प्रेस करोगे, तो डायरेक्टली इट इज ये बाइफरकेट कर रहा है आपके कैपेसिटर को, डायरेक्टली आपका वीसीसी सप्लाई इधर पे आपका पहुंचेगा, यहाँ पे डायरेक्टली इधर पे पहुंचेगा ये पिन पे, एंड इट इज गोइंग टू अप्लाई टू दिस रिसेट पिन। तो एक्टिव हाई हम प्रोवाइड करेंगे, हम मैनुअली प्रोवाइड करेंगे, कितने मशीन साइकिल तक का, 2 मशीन साइकिल, खाली ऐसा आप बंद करके छोड़ मत देना, आपको मैनुअली भी ये बटन को पुश करना है, कम से कम एटलीस्ट हो किसको कितने टाइम तक का हाई मिले, 2 मशीन साइकिल तक का हाई मिले, तो फिर ये माइक्रो कंट्रोलर क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश करो, क्लियर हो रहा है सब लोग? ओके, तो दिस इज योर रिसेट सर्किट। तो ये रिसेट सर्किट अब आ गया आपका अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट वन। तो अब आपको एमसीक्यू सेट वन अटेम्प्ट करना है। सो आई एम ओपनिंग योर एमसीक्यू सेट वन। सो दिस इज योर एमसीक्यू सेट वन, ठीक है? तो पहला सेट वन का क्वेश्चन क्या है, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज ऑफ डैश पिन पैकेज एज अ डैश प्रोसेसर। तो आपका माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो ओके, फाइव वन 40 पिन का है और एज अ डैश प्रोसेसर, तो यानी ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन कौन सा है फिर इसका, सी। वेरी गुड, देखो मैंने यहाँ पे इस बार क्या किया मालूम ना, इस बार यहाँ पे मैंने आपका आंसर जो है ना उसको, हाँ, नहीं तो हमेशा क्या होता था, यहाँ पे इसे देख के आप लोग फॉरन बोले, लेकिन आप एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, और आपको खुद से जवाब देना चाहिए। तो एक्चुअली इसका बीट और आंसर बाइट में करेक्ट फर्क क्या है है सर? यस, बिट और बाइट में फर्क ये होता है कि सिंगल बिट जो होती है वो लॉजिक वन लॉजिक जीरो रिप्रेजेंट करती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसी 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं। बस समझ में आई? तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन को 1 बाइट बोला जाता है, हाँ 1 बाइट। तो 1 बाइट मतलब क्या, वो 8 बिट ही होता है, तो ये दोनों अलग नहीं है, ये आपको जो 1 बाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो 8 बिट दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक ही चीज है, चाहे तो आप इसको 8 बिट बोलो, चाहे तो आप इसको क्या बोलो, 1 बाइट बोलो, दोनों का बात क्या है, ये एक ही है, क्योंकि 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। एट यस, गुड। तो ये क्लियर हो गया, ये पहला वाला आंसर आपको आंसर सी आ गया। सेकेंड क्वेश्चन का बताओ, अ हाई ऑन विच पिन रिसेट्स द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अब भी हम लोग वही सब पढ़, बी। वेरी गुड, आर एस टी। तो आर एस टी पिन पे आप जब हाई दोगे तो, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, नहीं तो आप लोग ये मत समझना आर ई एस ई टी, इसलिए पिन का मैंने नाम बराबर से आपको डिस्क्राइब करा था, इट इज आर एस टी। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिन ऑफ पोर्ट 3 दैट हैज एन अल्टरनेटिव फंक्शन एज राइट कंट्रोल सिग्नल फॉर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। अब ये थोड़ा बारीक सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये बारीक सा क्वेश्चन ये पूछ लिया, मैं आपको बोल भी रहा था कि आपको वो डायरेक्टली ना वो पिन का नंबर पूछेगा, नाम पूछेगा, जो एडिशनल ये वाला टास्क भी करती है। तो पोर्ट 3 से रिलेटेड वो कौन सी पिन है जो आपका क्या काम करती है, मेमोरी का, एक्सटर्नल डेटा मेमोरी का काम करती है, राइट कंट्रोल, जिसमें राइट होता है। P3 P3.8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि P3.8 तो 9th बिट हो गया, 9th बिट थोड़ी होता है, P3.0 से P3.7 तक का ही पिन है, तो ये तो पहले ही वेस्ट है, ये तो मतलब पिन ही नहीं है, ये तो P3.8 करके कोई पिन ही नहीं होती, P3.6। वेरी गुड, P3.6 इज द पिन विच इज हैविंग राइट कंट्रोल ऑफ मेमोरी। तो देखो इसका आंसर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, तो पहले वाले का आपका आंसर सी करेक्ट है, दूसरे वाले का आर एस टी करेक्ट था, तीसरे वाले का भी आंसर सी P3.6। तो ये पिन डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आप आंसर दे पाओगे, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको ये सारे पिन याद रखने पड़ेंगे कि कौन से पिन, कौन सा पिन क्या काम करता है। ओके,
ना कमिंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पिन फंक्शन ऑफ 8051 में दूसरी जो पिन्स है, जो तीन पिन्स के बारे में जो मैं बोल रहा था, जो मेमोरी से रिलेटेड काम होती है। पहली पिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है EA, तो ये EA जो पिन नंबर 31 है, इसलिए ये याद रखना। अभी पिन नंबर 31 इज बिलोंग्स टू EA पिन एक्सटर्नल एक्सेस, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटर्नल एक्सेस। ये EA स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, एक्सटर्नल एक्सेस के लिए। अब ये नाम से आपको मालूम पड़ रहा है एक्सटर्नल एक्सेस, तो एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब क्या हुआ, जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करना है, जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी का इस्तेमाल करना है, तो उस इस्तेमाल करने के लिए आपको ये पिन का यूज करना पड़ेगा। और ये पिन को आपको यूज किस तरीके से करना है, क्या कनेक्ट करना है, वो चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, देयर इज नो ऑन चिप रॉम इन 8031 एंड 8032। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये समझा है कि जो दूसरे जो माइक्रो कंट्रोलर है, एक 8031 और 8032, तो ये 8031 803 में 8032 में ऑन चिप रॉम नहीं होता है। ऑन चिप रॉम ये चीज हम लोग ने पढ़ चुके हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। ऑन चिप रॉम कितना होता है, फीचर्स में हम लोग ने पढ़े थे और डायग्राम में भी पढ़ चुके थे। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में ऑन चिप रॉम कितने का होता है, कोई बता सकता है? मैंने बताया था रैम कितना होता है, रॉम कितना होता है। बाय डिफॉल्ट जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मैन्युफैक्चर पहले से जो रैम और रॉम देता है, वो कितने का देता है, कितने मेमोरी का देता है, किसी को याद है? 2 GB नहीं, रॉम मेमोरी जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट पहले से 4 KB का होता है, और रैम मेमोरी कितना होता है, 128 bytes का। ये याद रखना आप लोग, फीचर्स में मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप रॉम जो है वो कितने बाइट का रहता है, 4 KB का रहता है, यानी मैन्युफैक्चर अपनी तरफ से पहले से ही आईसी में प्रोवाइड करके देता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये समझाया हुआ है कि देर इज नो ऑन चिप रॉम इन 8031 8032। तो ऑन चिप रॉम नहीं होता है किसमें, 8031 8032 में। सो द ईए पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड टू इंडिकेट द कोड इज स्टोर्ड एक्सटर्नली। तो उस मामले में जहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट रॉम नहीं होता है, तो वहां पे ये पिन ना पहले से ही डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्ट की जाती है, ग्राउंड को कनेक्ट की जाती है। क्यों ग्राउंड को कनेक्ट की जाती है, ताकि वो इंडिकेट करे कि मैं जो अपना कोड जो यूज कर रहा हूँ, जो मैं फैच कर रहा हूँ, वो एक्सटर्नल मेमोरी से फैच कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मेमोरी में जो स्टोर किया हुआ है। तो ये पिन जो है ना, वो कौन सी पिन है, एक्टिव लो पिन, याद रखो आप लोग, दिस पिन इज एक्टिव लो। तो एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लो, एक्टिव लो का मतलब ये होता है कि जब ये पिन पे लो दिया जाएगा तब ये पिन एक्टिव होगी। तो जी ई ए बार बोलते हैं इसको, यहाँ पे बार नहीं लिखा हुआ है, ई ए बार बोला जाता है। तो बार से इंडिकेट होता है कि दिस पिन इज एक्टिव लो पिन। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लो, सो एक्टिव लो मीन्स व्हाट, दिस पिन इज गोइंग टू बी एक्टिव एज एन एक्सटर्नल एक्सेस व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विथ लॉजिक जीरो। तो जब आप इस पिन पे लॉजिक जीरो दोगे, तो ये पिन उसका काम करेगी, एक्सटर्नल एक्सेस का काम करेगी। तो एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको मेमोरी को एक्सटर्नली एक्सेस करना है। तो जैसे कि ये दो माइक्रो कंट्रोल 8031 8032 में तो पहले से इंटरनली रॉम होता ही नहीं है, तो इसको पहले से क्या करना पड़ता है, बाहर से अपनी मेमोरी से अपना कोड को फेच करना पड़ता है। तो वो मामले में ये पिन को कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लॉजिक जीरो पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ग्राउंड इज नथिंग बट लॉजिक जीरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8051 में ऐसा नहीं करते हैं, 8051 में जब तक आपका इंटरनल रॉम इस्तेमाल होता है, तब तक ये पिन को कहाँ पे कनेक्ट करो, VCC पे कनेक्ट करके रखो। VCC का मतलब क्या होता है, लॉजिक हाई होता है। VCC का मतलब क्या होता है, लॉजिक हाई। तो जब इस पिन का इस्तेमाल नहीं है, जब आपको इस पिन का इस्तेमाल नहीं करना है, जब आपको अपनी इंटरनल चिप की मेमोरी यूज करना है, तो वहां पे आपको ये पिन को कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लॉजिक वन देना पड़ेगा, यानी VCC पे कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी इंटरनल रॉम मेमोरी इस्तेमाल हो गई, यूज हो गई, अब आपको जरूरत पड़ रही है बाहर की मेमोरी का, बाहर की मेमोरी से आपको यूज करना है डेटा, तो उस टाइम पे फिर ये पिन को क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड पे कनेक्ट करना पड़ेगा, एक्टिव लो देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एक्सेस, इस पिन का नाम है एक्सटर्नल एक्सेस। तो इसका पिन का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है, व्हेन एवर वी वॉन्ट टू यूज एक्सटर्नल मेमोरी, जब भी हम लोग को एक्सटर्नल मेमोरी से अपना डेटा फेच करना हो या एक्सेस करना हो, तो एट दैट टाइम वी हैव टू कनेक्ट दिस पिन टू लॉजिक जीरो। लॉजिक जीरो मीन्स वी हैव टू कनेक्ट, वी हैव टू प्रोवाइड लॉजिक जीरो टू दिस पिन इन ऑर्डर टू एक्सेस एक्सटर्नल मेमोरी। अदरवाइज जब आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो कनेक्ट दिस पिन टू VCC लॉजिक वन पे कनेक्ट करो।
तो अगर आप इंटरनल ऑन चिप मेमोरी यूज कर रहे हो, रॉम मेमोरी यूज कर रहे हो, तो वो काम वो टाइम पे वीसीसी पे कनेक्ट करो। लेकिन जब बाहर की मेमोरी से आपको लेना है, एक्सेस करना है अपना कोई भी डेटा वगैरह, तो उस मामले में, उस केस में ये पिन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड एक्टिव लो देना पड़ेगा। आई होप यू मस्ट बी एबल टू क्लियर एक्सटर्नल एक्सेस। फिर इसके बाद है दूसरी पिन PSEN, ये भी मेमोरी से रिलेटेड है। PSEN पिन नंबर 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पिन है, ये सब अलग से खाली नाम से ही पूछ लेता है, व्हाट इज द पिन नंबर 29 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें। तो उस टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए ये प्रोग्राम स्टोर एनेबल पिन है। सो PSEN स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टोर एनेबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम स्टोर एनेबल? सो दिस इज एन आउटपुट पिन एंड इज कनेक्टेड टू द आउटपुट एनेबल पिन ऑफ द रॉम। तो जब आप एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल रॉम मेमोरी को आप जोड़ते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो जब एक्सटर्नल मेमोरी को आप इंटरफेस करते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, और वहां से आपको डेटा यहाँ तक लेके आना है, पहुंचाना है या रीड करना है, तो उस टाइम पे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम स्टोर एनेबल पिन को कनेक्ट करना पड़ेगा रॉम की आउटपुट एनेबल पिन से। तो रॉम में जो रॉम मेमोरी है, उस रॉम मेमोरी में एक पिन होती है आउटपुट एनेबल। तो वो पिन पे जब आप पहुंचाओगे, एनेबल दोगे, एनेबल करोगे, तब तो वो रॉम का डेटा फिर आपका निकलेगा, पहुंचेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर की वो कौन सी पिन हाई प्रोवाइड करेगी आउटपुट एनेबल पिन को, एनेबल को करेगी रॉम रॉम को, तो वो माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन है प्रोग्राम स्टोर एनेबल, जो रॉम की पिन को एनेबल करेगा, जो रॉम को एनेबल करेगा, एक्सटर्नल रॉम को एनेबल करेगा कि नाउ वो डेटा रीड करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। सो दिस इज एन आउटपुट पिन। तो ये माइक्रो कंट्रोलर से जनरेट होता है, तो इसके लिए इसको क्या बोले, आउटपुट पिन बोले, यानी माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करता है हाई, और ये हाई किधर जाता है, किसको जाता है, रॉम की आउटपुट एनेबल पिन को जाता है। तो रॉम की आउटपुट एनेबल पिन पे जब हाई मिलेगा, तो वो रॉम एक्टिव होगा, एनेबल होगा, और फिर वहां से ये प्रोग्राम जो है वो ट्रांसफर होगा, इधर आएगा, मिलेगा। तो ये एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और ये प्रोग्राम स्टोर एनेबल एनेबल करने के लिए यूज होता है। ये एक्सेस करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, आपको ईए का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ईए को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ग्राउंड, ताकि एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस हो सके, और एक्सटर्नल एक्सेस होने के बाद में तब एनेबल कब होगा, तो जब आप प्रोग्राम स्टोर एनेबल पिन को आउटपुट एनेबल पिन ऑफ रॉम से कनेक्ट करोगे, तो वो आउटपुट एनेबल पिन पे जब भी हाई मिलेगा, तो वो रॉम एनेबल होगा, और वहां से डेटा फिर पहुंचेगा। तो दिस पिन नंबर 29 स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टोर एनेबल, विच इज गोइंग टू एनेबल, जो एनेबल करता है, किसको एनेबल करता है, एक्सटर्नल रॉम को एनेबल करता है। और उसको क्या, ये पिन को कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये पिन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट एनेबल पिन ऑफ रॉम पे कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ALE, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जितने भी मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ ना, ये सब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो ALE स्टैंड फॉर एड्रेस लैच एनेबल। तो जो बात अपनी चल रही थी, मैंने जो आपको बोला था कि हम लोग का जो लो ऑर्डर एड्रेस बस कंबाइंड होता है, AD0 to AD7, पोर्ट जो पोर्ट था अपना, कौन सा पोर्ट था, पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 जो है वो अपना कंबाइंड यूज होता है लो ऑर्डर एड्रेस एज वेल एज डेटा बस। तो एड्रेस बस का भी काम करता है, डेटा बस का भी काम करता है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही काम करना पड़ेगा ना उसको, दोनों काम तो एक साथ कर नहीं सकता। जब एड्रेस का इंफॉर्मेशन लेके चलना है तो एड्रेस ही लेके चलेगा, जब डेटा बस का इंफॉर्मेशन लेके चलना है तो सिर्फ डेटा लेके चलेगा। तो ये कैसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिन, माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन, जो पिन नंबर 30 है, जिसका नाम है एड्रेस लैच एनेबल। तो ये एड्रेस लैच एनेबल क्या करता है, एड्रेस को होल्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है। देखो, आपको एड्रेस की जरूरत कब पड़ती है, सिर्फ एड्रेस की जरूरत कब पड़ती है, वहां तक पहुंचने के लिए। एड्रेस इंफॉर्मेशन कब रिक्वायर्ड होता है, जब वहां तक आपको लोकेशन तक पहुंचने के लिए एड्रेस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एक बार जब आप वहां पे पहुंच गए, तो फिर वहां पे एड्रेस का क्या काम, एड्रेस अपना, एड्रेस बस का फिर क्या काम, तो वो एड्रेस बस को फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा बस के लिए। तो ये जो एड्रेस लेस एनेबल पिन है, ये क्या करता है, ये एड्रेस लेस एनेबल पिन आपके एड्रेस को, जैसे ही इसको एक्टिव, ये एक्टिव हाई होगा, तो ये एड्रेस को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब एक बार आपने स्टोर करके रख लिया, तो उसको बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद वो बसेस जो है ना, वो फ्री हो जाती है, किसके लिए काम करती है, डेटा बस के लिए काम करती है। तो जो लो ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस कंबाइंड है AD0 to AD7, उसको आपको डी मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। डी मल्टीप्लेक्स मतलब समझ में आया आपको, डी मल्टीप्लेक्सिंग मतलब दोनों को अलग करने का काम। तो दोनों को अलग करने का काम कौन सी पिन करती है, माइक्रो कंट्रोलर की एड्रेस लेस एनेबल पिन करती है।
address latch enable pin is used for demultiplexing the address and data buses. तो एड्रेस और डेटा बस जो एक साथ जो कंबाइंड है उसको डिफरेंशिएट करने का काम कौन सी पिन करती है? माइक्रो कंट्रोलर की ALE पिन करती है. तो इट इज एन आउटपुट पिन एंड एक्टिव हाई. ये आउटपुट पिन है मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर खुद जनरेट करता है, और एक्टिव हाई का मतलब ये होता है जब इस पे हाई दिया जाएगा तो ये एक्टिव होगी. तो 8051 पोर्ट जीरो प्रोवाइड्स बोथ एड्रेस एंड डेटा बस. सॉरी, तो वो पोर्ट जीरो था, मैं पोर्ट वन बोल दिया था आपको. तो पोर्ट जीरो जो है माइक्रो कंट्रोलर का वो एड्रेस एंड डेटा बस कंबाइंड काम करता है, लो ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस का काम करता है. तो जब ALE पिन इज हाई होगा, जब ALE आपका हाई होगा, द ALE पिन इज यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग द एड्रेस एंड डेटा बाय कनेक्टिंग टू द जी पिन ऑफ द लैच. तो ये जो ALE पिन है आपका, ये ALE पिन को आपको कनेक्ट कहाँ पे करना पड़ता है? लैच पे कनेक्ट करना पड़ता है, लैच पे. तो जब आपका ये ALE पिन हाई होगा वैसे आपका लैच एनेबल होगा, आप जो AD0 टू AD7 में जो भी इंफॉर्मेशन है वो फटाक से स्टोर कर लेगा ये लैच. तो स्टार्टिंग में हमेशा क्या होगा, स्टार्टिंग में वो AD0 AD7 हमेशा क्या कैरी करेगा? एड्रेस इंफॉर्मेशन ही कैरी करेगा. तो ये जो AD0 टू AD7 जो बिट्स है, 8 बिट्स है, ये इनिशियली कौन सी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है? एड्रेस इंफॉर्मेशन को. और ये कुछ टाइम पीरियड तक ही कैरी करती है, फिर उसके बाद में ये फ्री हो जाती है, फिर बाद में वो डेटा बस का काम करती है. तो जब तक का वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है वैसे ही आप क्या करते हो, लैच को एनेबल करके उनका एड्रेस इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हो. तो विद द हेल्प ऑफ दिस लैच हम लोग क्या कर लेते हैं, वो जो AD0 टू AD7 स्टार्टिंग में एड्रेस का काम कर रही थी, रखी थी, उसको फटाक से हम लोग स्टोर कर लेते हैं. और फिर वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपका लैच में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद में वो क्या करती है, डेटा का काम करती है वो बसेस. तो एड्रेस भी आपके पास स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, और वो बसेस फिर डेटा का भी काम करती है. तो वो कौन सी पिन के थ्रू आप डीमल्टीप्लेक्स करते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस ALE पिन. तो माइक्रो कंट्रोलर की 8051 की ALE पिन क्या करती है, वो एड्रेस और डेटा बस को डिफरेंशिएट करने का काम करती है. तो कब एड्रेस है, कब डेटा बस है, वो जैसे ही एड्रेस बस इंफॉर्मेशन में रख रहा था उसको आप फटाक से क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो कहाँ पे, लैच में. ये ALE एनेबल करता है लैच को, और वो लैच के थ्रू आप क्या कर लेते हो, एड्रेस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हो. तो जो क्लॉक पल्सेस की बात कर रहा था ना, तो स्टार्टिंग का एवरी क्लॉक पल्सेस वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, और उसी टाइम पे आप क्या करते हो, लैच को एनेबल करके स्टोर कर लेते हो. फिर उसके बाद से वो इन्फॉर्मेशन कौन सा कैरी करती है, डेटा बस का फिर काम करती है. तो इस तरीके से है विद द हेल्प ऑफ दिस पिन ALE वी आर गोइंग टू. ये हम लोग जब मेमोरी डायग्राम देखेंगे ना, मेमोरी इंटरफेसिंग, तो वहाँ पे आपको ये सब क्लियर होगा कि कब ये कहाँ से कैसे क्या हो रहा है. इनपुट आउटपुट पिन्स, तो 4 इनपुट आउटपुट पिन्स है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. तो ईच पोर्ट इज हैविंग हाउ मेनी पिन्स? 8 पिन्स. और जितनी भी पिन्स है वो सब क्या है, बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, इनपुट का भी काम करती है और किसका काम करती है, आउटपुट का भी काम करती है. तो 4 पोर्ट्स है आपके पास, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. और ये जो चारों भी पोर्ट्स है वो इंडिविजुअली कितने पिन्स के हैं, 8 पिन्स के हैं. और हर पिन्स इंडिविजुअली बाई डायरेक्शनल बन सकता है, इनपुट भी बन सकता है, आउटपुट भी बन सकता है. तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, 8051 हैज 4 पोर्ट्स. तो पोर्ट जीरो का पिन पिन नंबर इतना है. और ये जो 8 बिट्स है उसकी जो नेमिंग है वो किस तरीके से की गई है वो देखो आप. तो P0.0 to P0.7. तो पोर्ट जीरो की 0 बिट, पोर्ट जीरो की 7 बिट, इस तरीके से 8 बिट का नेमिंग किया हुआ है. ये पोर्ट थ्री की 0 बिट, ये पोर्ट 3 की 7 बिट. तो P3.0 से लेके P3.7, ये 8 बिट्स का नेमिंग यहाँ पे किया हुआ है. तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हो, यहाँ पे समझाते हो कि कौन सा मतलब है, क्या नाम है. तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, P0.0 का मतलब क्या होता है, इज द 0 बिट ऑफ पोर्ट 0. तो P0.0 का मतलब क्या होता है, 0 बिट ऑफ पोर्ट 0. P0.7 का मतलब क्या होता है, 7 बिट ऑफ पोर्ट 0, 7th बिट, पोर्ट 0 की 7th बिट. तो दिस 8 बिट्स फॉर्म अ बाइट. तो ये 8 बिट क्या फॉर्म करती है, एक सिंगल बाइट को फॉर्म करती है. और ईच पोर्ट कैन बी यूज एज इनपुट और आउटपुट बाय डायरेक्शन. आप ईच पोर्ट पिन को आप इंडिविजुअली बाय डायरेक्शनली यूज कर सकते हो, एक टाइम पे ही आप उसको चाहे इनपुट बनाओ या आउटपुट बनाओ, बाय डायरेक्शनल का काम करती है. सो पिन आर कॉन्फिगर एज एन आउटपुट, दैट इज लॉजिक 0. तो जब आपको कोई पोर्ट को आउटपुट बनाना पड़ेगा तो आउटपुट बनाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, लॉजिक 0. तो बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्स की पिन है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, आउटपुट पोर्ट का काम करते हैं.
तो आपको अलग से अगर उसको इनपुट बनाना है, इनपुट बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, लॉजिक वन देना पड़ेगा। तो कोई भी पोर्ट की पिन हो, अगर आपको उसको आउटपुट बनाना है तो उस पर लॉजिक जीरो देना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट तो वो लॉजिक जीरो ही रहता है, आउटपुट ही बना हुआ रहता है, लेकिन अगर आपको उसको इनपुट बनाना है तो इनपुट बनाने के लिए आपको उसको क्या देना पड़ेगा, लॉजिक वन देना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड लॉजिक वन टू वर्क इट एज इनपुट, यानी डेटा अंदर लेके जाने के लिए, बाहर से डेटा अंदर प्रोवाइड करने के लिए, पोर्ट के अंदर प्रोवाइड करने के लिए उसको इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो इनपुट पोर्ट बनाने के लिए आपको पहले उसको क्या देना पड़ेगा, लॉजिक वन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लॉजिक वन दे के हम लोग उसको इनपुट पोर्ट बनाते हैं, और लॉजिक जीरो दे के हम लोग उसको आउटपुट पोर्ट बनाते हैं। देन द सिंगल पोर्ट पिन्स कैन रिसीव अ करंट ऑफ 10 mA। तो ये जब आप उसको आउटपुट बनाते हो या इनपुट बनाते हो तो ये कितना करंट रिसीव करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन द सिंगल पोर्ट पिन्स कैन रिसीव अ करंट ऑफ 10 mA। ठीक है, तो वो कितने का करंट रिसीव करेगा, 10 mA का करंट रिसीव करेगा। इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट बनाने का जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये आउटपुट रहता ही है, लॉजिक जीरो रहता है, यानी वो क्या करेगा, कितना रिसीव कर सकता है करंट, कितना तक रिसीव कर सकता है, 10 mA तक करंट रिसीव कर सकता है। इनपुट पोर्ट बनाने के लिए आपको उसको लॉजिक वन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ इधर पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और समझाया गया है कि पोर्ट जीरो का जो पिन है वो बाई डायरेक्शनल है, इनपुट आउटपुट पिन्स है, बट विदाउट एनी इंटरनल पुलअप्स, हेंस वी नीड एक्सटर्नल पुलअप्स इन ऑर्डर टू यूज पोर्ट जीरो पिन्स एज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। एक चीज़ यहाँ पे खाली एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो माइक्रो कंट्रोलर का जो पोर्ट जीरो है वो आपका क्या है, विदाउट एनी इंटरनल पुलअप्स, यानी इसके अंदर इंटरनल रजिस्टर्स नहीं होते। जब आपको इनपुट और आउटपुट पोर्ट बनाना है तो हर पोर्ट पिन पे ना इंटरनली रजिस्टर भी कनेक्टेड रहते हैं, अंदर मैन्युफैक्चर ही प्रोवाइड करता है, लेकिन खाली पोर्ट जीरो का जो पिन ऐसा है जहाँ पे उसको इंटरनली रजिस्टर्स नहीं प्रोवाइड किया होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल पुलअप्स। ये पुलअप जो है ना वो पुलअप्स रजिस्टर है, रजिस्टर। तो हर पिन पे ना इंटरनली रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, जितने भी पोर्ट देखेंगे, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। खाली अकेला पोर्ट 0 पोर्ट पिंस ऐसा है जहाँ पे इंटरनल पुलअप्स नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को एक्सटर्नल पुलअप्स रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ता है ताकि उसको इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसा काम कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो बाकी के जितने भी 3 पोर्ट्स हैं उनको इंटरनल पुलअप्स रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नली रजिस्टर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पोर्ट 0 पिंस ऐसा है जब आपको उसको इस्तेमाल करना है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के जैसा इस्तेमाल करना है, तो आपको उसको एक्सटर्नल रजिस्टर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन एडिशन टू एक्टिंग एज इनपुट आउटपुट पोर्ट, पोर्ट 0 इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ लो ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी इज एक्सेस। इसके अलावा पोर्ट 0 क्या काम करता है, लो ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस का काम करता है, जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पोर्ट 2 इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल, पोर्ट 2 पिन एक्ट एज अ क्या है, इनपुट और आउटपुट। तो पोर्ट 2 जो है वो आपका नॉर्मल इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और एडिशनली क्या काम करता है, पोर्ट 2 इट एक्टिंग एज अ हाई ऑर्डर एड्रेस बस, और हाई ऑर्डर एड्रेस बस का भी काम करता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का भी काम करता है, और हाई ऑर्डर एड्रेस बस मतलब A8 to A15। पोर्ट 2 पिन्स हैव इंटरनल पुलअप्स, तो एक्सटर्नल पुलअप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है पोर्ट 2 में। ये पोर्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, एडिशनल टास्क जो दिया हुआ है। तो ऑल द पोर्ट 3 पिन्स हैव स्पेशल फंक्शंस, तो पोर्ट 3 की जितनी भी पिन्स है ना सबको स्पेशल फंक्शंस है। अब वो स्पेशल फंक्शंस क्या है, नॉर्मल इनपुट और आउटपुट पोर्ट के अलावा वो यहाँ पे दिया हुआ है। पोर्ट 3.0 बिट, तो पोर्ट 3 की 0 बिट क्या काम करती है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल डेटा बिट इनपुट का काम करती है, रिसीव डेटा। सो पोर्ट 3.0 सीरियल रिसीव डेटा। सीरियल कम्युनिकेशन में 2 पिन्स यूज होती है, वो पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.1, जिसमें ऊपर वाला सीरियल डेटा इनपुट है और पोर्ट 3 डॉट वाला सीरियल डेटा ट्रांसमिट है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में इनपुट और आउटपुट का पिन काम करने वाली है 2 पिन से, P3.0, P3.1, P3.0 सीरियल कम्युनिकेशन इनपुट पिन, P3.1 सीरियल कम्युनिकेशन आउटपुट पिन, यानी ट्रांसमिट डेटा, डेटा जहाँ से ट्रांसमिट होता है। P3.2 इज एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, तो 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट को कनेक्ट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो वो एक्सटर्नल इंटरप्ट आप कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, कौन सी पिन पे, तो P3.2, P3.3 पे। तो P3.2 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 पिन है, और P3.3 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 पिन है। तो ये 2 पिन्स है वो इंटरप्ट्स के, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के, एक एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। फिर उसके बाद P3.4, P3.5 कौन सी पिन्स है,
तो ये एक्सटर्नल टाइमर 0 और ये एक्सटर्नल टाइमर 1। हम लोग ने स्पेसिफिकेशन में पढ़ चुके थे माइक्रो कंट्रोलर को कितने टाइमर्स है, दो टाइमर्स है। तो वो दो टाइमर्स कौन कौन से, एक टाइमर 0 टाइमर 1। तो एक्सटर्नल टाइमर 0 T0, एक्सटर्नल टाइमर 1 T1। तो ये दो पिन्स पे आपको एक्सटर्नल टाइमर्स के दिखेंगे फंक्शन। और P3.6 P3.7 ये एक्सटर्नल मेमोरी से रिलेटेड है, जिसका अपने क्वेश्चन हम लोग एक देखे थे MCQ में। P3.6 पिन कौन सी है, तो एक्सटर्नल राइट बार, तो एक्सटर्नल मेमोरी राइट बार, यानी मेमोरी का राइट जो है वो यहाँ पे होगा, मेमोरी का जो रीड है वो ये पिन से होगा। तो एक्सटर्नल मेमोरी राइट बार, एक्सटर्नल मेमोरी रीड बार। तो जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करना होता है तो ये दो पिन का इस्तेमाल करना होता है, एक्सटर्नल मेमोरी से जोड़ना पड़ता है, राइट बार एंड रीड बार। आई होप आप लोग को ये चीज़ अभी क्लियर हो गई होगी। तो सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन को भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। स्टेट द पिन्स दैट प्रोवाइड अ रीसेट ऑप्शन इन 8051। तो वो कौन सी पिन है जो रीसेट ऑप्शन प्रोवाइड करती है 8051 में, डी विच। इनलाइन यस करेक्ट, डी इनलाइन डी, वेरी गुड, पिन नंबर 9। एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन P3.4 इन द 8051 इज। तो P3.4 पिन कौन सा है, तो ये देखो ये सब P3.4 ये सब पिन के रिलेटेड। टाइमर टाइमर कौन सा, टाइमर 0 की टाइमर, टाइमर विच वन, टाइमर दो है लेकिन बोल, टाइमर टाइमर 1 है कि टाइमर 0 है, वन, टाइमर वन, टाइमर टाइमर 1। जीरो। ओके नहीं देखते अभी, अभी आंसर हम लोग देख लेंगे, आप लोग कंफ्यूज है उसमें, टाइमर 0 टाइमर 1 में। वी आर गोइंग टू सी, पिन्स आर कॉन्फिगर एज आउटपुट दैट इज लॉजिक 0, देन द सिंगल पोर्ट पिन्स कैन रिसीव अ करंट ऑफ। तो कितने का करंट रिसीव करता है जब आप उसको आउटपुट पोर्ट बनाते हो लॉजिक 0, अभी हम लोग ने पढ़े थे कितने का करंट रिसीव करता है टेन वो, मिलियन पियर, 10 मिलियन। 10 mA। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो टाइमर 0 इज द करेक्ट आंसर बी का, टाइमर 1 नहीं है। P3.4 जो है वो हम लोग ने अभी पढ़े थे, P3.4 जो है वो टाइमर 0 है, P3.5 जो है वो क्या है, टाइमर 1 है। तो इसका आंसर टाइमर 0 है, करेक्ट ऑप्शन ये आपके सामने आंसर है। आई होप यू मस्ट बी हैव नाउ अंडरस्टूड। तो ये हो गया, ये सब समरी था। तो समरी में जितने भी हम लोग ने पिंस के बारे में पढ़े, ये पूरा समरी किया हुआ है कि टोटल, पहला सवाल यही है 8051 कितने पिन का आईसी है, 40 पिन, डुअल इन लाइन पैकेज, दिस 40 पिन सर्व डिफरेंट फंक्शंस आल्सो, कौन कौन सा, रीड राइट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इंटरप्ट्स एक्सेट्रा। और 8051 के कितने पोर्ट्स है, चार पोर्ट्स है, और हर पोर्ट्स कितने पिन का होता है, 8 पिन का होता है, जिसको आप कन्फिगर कर सकते हो, इनपुट एंड आउटपुट कैसे भी कन्फिगर कर सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से पिन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, रिसेट पिन, VCC, ग्राउंड, क्रिस्टल 1, क्रिस्टल 2, ALE, अभी देखे एड्रेस लैच एनेबल जो एड्रेस और डेटा बस को डिफरेंशिएट करता है, PA, एक्सटर्नल एक्सेस, PSEN, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। तो आई थिंक डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया बिकॉज भाई अपना कंटेंट इतना ये पिन डायग्राम से रिलेटेड। आई होप यू मस्ट बी हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, डेफिनेटली यू कमेंट मी, मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग, ज्वाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप लोग में से कोई एक अटेंडेंस लेके ग्रुप में भेज दो प्लीज़, साहिल है ना, अटेंडेंस लेके ज़रा ग्रुप में शेयर कर दो, कोई भी आप लोग में से, नॉट ओनली साहिल, जो भी आप भी प्रेजेंट है आप में से अटेंडेंस लेके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग, ज्वाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ इसी तरीके से ज्वाइन करो, स्टे एट होम, स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।